1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। वहीं समिति हिंदी को बढ़ावा देने के लिए शहर के स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता, गीत काव्य पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में रामकृष्ण मिशन स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का कार्य बरसों से रामकृष्ण मिशन स्कूल में हो रहा है। किला मैदान फायर ब्रिगेड के सामने स्थित इस स्कूल में मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा समिति ने वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेते हुए अपनी बात रखी। समिति हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन शहर भर में कर रही है, ताकि बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव उत्पन्न हो। यह मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जिसकी स्थापना सन 1936 में महात्मा गांधी जी ने की थी, उनकी मध्य प्रदेश की ये शाखा है, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी भवन भोपाल से संचालित होती है ये। उसके द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर माह में बच्चों के अंदर प्रोत्साहन उत्पन्न करने के लिए, हिंदी भाषा के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए एक प्रतिभा प्रोत्साहन महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें चार प्रकार की प्रतियोगिताएँ हर वर्ष होती है। वाद विवाद प्रतियोगिता, एकल लोकगीत प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता और एक चित्रांकन से भावांकन प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं को हम यहाँ इंदौर शहर के विभिन्न विद्यालयों में अलग अलग आयोजित करते हैं, और इस प्रकार से प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में हिंदी के प्रति एक मोह उत्पन्न हो, हिंदी बोलने के प्रति, हिंदी में पढ़ने के प्रति। और हिंदी, महात्मा गांधी जी का ये विशेष 150वां वर्षगांठ है, इसलिए अब की बार जो विषय रखा गया वाद विवाद प्रतियोगिता का, ये उन्हीं से संबंधित है कि जीवन की सार्थकता के लिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों का अनुसरण आवश्यक है। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अपने विद्यार्थियों में उनकी आंचलिक कारित्री क्षमता, सामुदायिक क्षमता का विकास करने के लिए, हिंदी के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए और हिंदी को ससम्मान अपनाने के लिए प्रतिवर्ष राजभवन भोपाल की ओर से चार प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है, और ये हम अलग अलग विद्यालयों में करते हैं। और ये आज भी यहाँ अंतरविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, और इसमें विभिन्न विद्यालयों के पक्ष और विपक्ष में मिलाकर 15 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस प्रतियोगिता की ये है कि बच्चे महात्मा गांधी के विचारों को, उनके सिद्धांतों को आज पुनः याद करके पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी बातों में यह पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं या उनका अनुकरण किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। ये प्रतियोगिता बच्चों में इस सोच को विकसित कर रही है कि हमारे पूर्व में जिनके कारण हमें आज़ादी मिली, उनके विचार आज भी प्रासंगिक है या नहीं है। प्रतिवर्ष इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों में हिंदी के प्रति प्रेम, सम्मान मिलता है। हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि हमें अंग्रेजी से परिचित नहीं है, अंग्रेजी से परहेज है, ताकि आप अंग्रेजी बनकर सिर्फ अंग्रेजों को नहीं अपनाएं, उनके वेशभूषाओं को नहीं अपनाएं। अंग्रेजी भाषा पढ़ना ठीक है, लेकिन अंग्रेजी को अपने जीवन में उतारना ठीक नहीं है। इस संदेश को लेकर हम इस प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं।